हाँ तो हम लोग आज चाला टोंका धर्मपुरिया नो गाड़ी लाए हैं कमलेश्वरा बरेली से। तो हम लोग इसी को पूजा पाठ करा रहे थे चलायो धर्मेश थ्रू कि ताकि नज़र गुजर किसी तरह से ना लगे और इनका गाड़ी बढ़िया अच्छा तरह से चले। तो हम लोग इसी चलते हम लोग सारे सरना परिवार आदिवासी परिवार सभी लोग हम लोग पूजा पाठ गाड़ी को करा रहे हैं अपना रीति रिवाज के माध्यम से। तो हम कमलेश्वरा जिसका गाड़ी है उन्हीं के जबान से हम दो बात सुनते हैं इन्हीं के सबसे क्या कहते हैं। मेरा नाम कमलेश्वरा हूँ, पिता स्वर्गीय मोहरा हूँ और ग्राम बरेनी पोस्ट नवागढ़ थाना प्लस जिला लातेहार। हम लोग जैसे पहले और कहीं गाड़ी खरीदने के बाद पूजा कराने के लिए जो ले जाते थे लोग भाई लोग बंधु लोग से, आज हम लोग अपने माध्यम से सरना सभी परिवार के साथ हम लोग धर्मकुड़िया जो निर्मित किए हैं जिसमें हमारे सहयोगी मनकेरी खैरा बरैनी हरतुआ मुर्गीडी सलैया इतना के बीच में हम लोग एक धर्मकुड़िया बनाए हैं जिसमें सभी से मेरा आग्रह कहना है कि जो भी नया या पुराना गाड़ी लेने के बाद हम लोग अपना धर्मकुड़िया में ही इनका पूजा पाठ कराएंगे जो कि बहुत कम मात्रा में कोई खर्चा कोई बर्चा नहीं। हम लोग सभी सरना समिति के परिवार लोग एक संगठन के साथ हम लोग आते हैं और जो सरना का विधि विधान है जो हम लोग प्राकृतिक पूजन है तो हमको बहुत इसमें अच्छा लगा और इसमें हम सभी से मेरा आग्रह है कि जितने भी हमारे सरना धर्म के लोग जो हैं धर्मकुड़िया में ही अपना गाड़ी को पूजा कराएं। और मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी को मैं विराम देती हूँ। जय धर्मेश। से हमारे चला टोंका धर्मकुड़िया में जैसे महिला तो आती है पर पुरुष लोग कम आते हैं तो हम इन्हीं से दो बात कहना चाहते हैं कि काहे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इन्हीं लोग बताएंगे। और मैं इसमें आग्रह कर रहा हूँ कि कम से कम सप्ताह में एक दिन अपना बहुमूल्य टाइम निकाल कर हम लोग जिंदगी भर तो कमाते भटकते रह रहे हैं लेकिन कम से कम सप्ताह में 2 घंटा अपना बहुमूल्य टाइम निकाल कर धर्मकुड़िया में आना चाहिए और इससे हम लोग का समाज की ओर विकास होगी। सभी सरनावासी से मेरा कहना है कि धर्मकुड़िया में अपना टाइम 1 घंटा अवश्य दें और सबको आना अनिवार्य है। मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूं।